हाँ तो भाइयों घुसे वीडियो में। एंड सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, मेरा जो माइक है वो ख़राब हो गया है, तो इस दूसरे स्मार्टफोन से मैं इससे अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से फ़ोन मेरे हाथ में रहेगा, तो बस यही। तो भाइयों आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro की, अभी MI की ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाया है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आपको बताऊंगा इसका क्या है कैसे है, एंड आपका अपना जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन रहता है वो शेयर करूंगा आपके साथ, एंड कितने प्राइस में क्या रहा सब कुछ आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कैसे इसकी मत करना, वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, मत करना भाइयों। तो चलो वीडियो में घुस लेते हैं। तो भाइयों ये है हमारा Redmi Note 10 Pro का पैकेट, तो चलो अब इसको काट लेते हैं। एंड मैं आपको चीज़ बता दूँ, मैंने इस मोबाइल का यूज कर लिया है, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो जिस वजह से मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शेयर कर सकता हूँ। तो चलो अब इस बॉक्स को बाहर निकालते हैं Redmi Note 10 Pro के। एंड आप देख सकते हैं कुछ बैक साइड पे इसके कुछ जो की हाइलाइट फीचर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आगे से कुछ बता ही दूंगा क्या इसकी अच्छी बातें मोबाइल की। तो चलो अब इस मोबाइल को यहाँ से अनबॉक्स करते हैं एंड बाहर निकालते हैं अपने बीस्ट को, दी Redmi Note 10 Pro को। तो ये काट लिया है हमने और उसके बाद यहाँ से ये बाहर निकला। तो पहले कुछ सेक्शन मिलता है यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें केस है एंड सिम इजेक्टर टूल है एंड कुछ यूजर मैनुअल है, जो कि यूजर मैनुअल कोई पढ़ता नहीं है, सिम इजेक्टर टूल काम आने वाला है एंड जो केस बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो केस आपके मोबाइल को इस कैसे से बचाएगा। जो केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड अब इस केस को रखते हैं साइड में। एंड मैंने वो बताया था कि दूसरा सेक्शन है जिसमें आई मीन सेक्शन वही है, उसमें यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल भी है, तो ऐसा कुछ है एंड उसको रखते हैं साइड में। अब आते हैं अपने मोबाइल पे एंड सीरियसली गाइस, जैसे ही मैंने इस मोबाइल को फर्स्ट टाइम अपने हाथ में पकड़ा था तो मुझे लगा था कि हाँ भाई Redmi ने कुछ वर्क किया है, कुछ तो काम किया है इस मोबाइल पर, इतना अच्छा इन एंड फील था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो अभी अंदर इसमें ऑक्सीजन मिलता है, फोन को बाद में देखते हैं, पहले इनको देखते थे। तो इसमें को मिलता है 33 वाट का फास्ट चार्जर एंड इसमें जो आपको बैटरी मिलती है मोबाइल में मिलती है 5020 mAh की बैटरी, एंड उस हिसाब से इसकी जो चार्जिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड इसके अंदर फिर ये एक टाइप सी केबल एंड इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंड अब है हमारा मोबाइल इसको अनरैप करने की बारी है। एंड एक चीज़ बता दूँ यार, मैंने इस मोबाइल को जब अनरैप किया था ना तो सबसे अच्छी फीलिंग थी, मैंने सैमसंग मोबाइल भी अनरैप किए हैं, रियलमी के भी, बट सबसे अच्छा जो मुझे एक्सपीरियंस मिला वो इसका मिला। एंड जो पकड़ने की जो फीलिंग थी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम थी, जिस प्राइस रेंज में मोबाइल आ रहा है भाई, सच बता रहा हूँ इस प्राइस रेंज में आपको इतनी अच्छी जो ग्रिप है, इतनी अच्छी जो इन फील है वो नहीं मिलने वाली, बहुत ही प्रीमियम, चाहे पकड़ने में हो चाहे देखने में हो। तो मैं इस मोबाइल की बिल्ड क्वालिटी के लिए 10 out of 10 देना चाहूँगा एंड बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। एंड अब बात करें इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो बूट होते होते टाइम मैं आपको बताऊँगा इसका फिजिकल ओवरव्यू। तो पहले तो इसको करते हैं बूट एंड उसके बाद आपको बताता हूँ। तो आपको टॉप साइड मिलता है हेडफोन जैक एंड फिर स्पीकर ग्रिल, फिर आयर ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक, नीचे की साइड में मिलता है प्राइमरी माइक, चार्जिंग पोर्ट, फिर उसके बाद दोबारा स्पीकर ग्रिल, क्योंकि यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट मिल जाता है। एंड बात करें लेफ्ट साइड की, तो वो सिम ट्रे जहाँ पे अपने सिम वगैरह लगाओगे। एंड बात करें राइट साइड की, तो पावर बटन में लगा हुआ है फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड वही वॉल्यूम रॉकर्स। तो चलिए अब इसमें लोग करते हैं बूट, एंड बूट तो हो गया, करते हैं इसके सेटअप। भाई जो बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G, ये एक ओक्टा कोर प्रोसेसर है एंड नो डाउट काफ़ी अच्छी आपको पहुँच मिल जाएगी इस मोबाइल में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप गेमिंग करो चाहे अपने आप डे टू डे टास्क करो, सारे काम आपके इजीली हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे इस प्रोसेसर के साथ। तो भाई जो सेटअप हो गया कंप्लीट एंड अब आ गए हैं अपनी हम होम स्क्रीन पे, एंड देखने में जो इसकी जो स्क्रीन क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड उसी के साथ साथ आपको मिल जाता है यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एंड अभी तो ये 60 हर्ट्ज पे सेट है एंड सेटिंग में जाके हम इसकी जो डिस्प्ले को 120 हर्ट्ज पे सेट करेंगे एंड जो इसका व्यू एंगल्स है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, बिल्कुल भी फेड नहीं हो रही डिस्प्ले, या सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। एंड डिस्प्ले में आपको 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, जो पीक ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स की, जो कि अब अगर आप बाहर जाओगे धूप में तो ऑटोमेटिक से इनेबल होगी। तो आपको डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा फीचर देखने मिल जाते हैं, डार्क मोड है, आप डार्क मोड को शेड्यूल कर सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाती हैं। एंड सबसे जो मेन चीज़ है वो है इसका हाइयर रिफ्रेश रेट, तो जैसे ही यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं 120 हर्ट्ज़ पे, तो अभी 60 हर्ट्ज़ पे, जैसे हम 120 हर्ट्ज़ पे सेट करेंगे तो भाइयों आप क्लियरली फील कर सकते हो कि यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस है, बहुत ही एकदम बटरी स्मूथ, आप स्क्रॉल करोगे आपको क्लियर फील हो जाएगा। एंड बात करें इसके स्टोरेज की, तो आपको यहाँ पे 49GB ऑलमोस्ट अवेलेबल मिल जाती है 64GB में से, एंड यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिलता है,
एंड अब बात करें इसके कैमरा की। सच में भाइयों इसके कैमरे वाले एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे मोड एंड फीचर्स देखने मिल जाते हैं, तो मैं उनकी बात तो करने नहीं वाला, अगर उनकी बात करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट बात करेंगे इसके कैमरे क्वालिटी की। तो सबसे पहले बात करें कैमरा की, तो आपको रियर सेटअप मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, जो मेन कैमरा वो है 64 MP का, जो दूसरा है वो है अल्ट्रा वाइड वो है 8 MP का, जो थर्ड है वो है 5 MP का सुपर मैक्रो, एंड जो फोर्थ है वो है 2 MP का जो कि एक डेप्थ है। एंड बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा को मिलता है यहाँ पे 16 MP का। तो मैंने इस मोबाइल से कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक किए हैं, तो आप उनको देखना एंड उससे आप जज करना, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा बट आप खुद भी जज कर लेना। तो चलिए आप उन फोटोज़ को देखते हैं एंड आप खुद देखिए, मैंने देख लिए हैं, आप खुद देखिए एक बार। अगर भाइयों मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं उसके कैमरे के बारे में, तो आप जितनी फोटोज टाइम देख रहे हो स्क्रीन पे मैंने क्लिक किए हैं, एंड मैंने इन फोटोज़ को कई बार अपने मोबाइल में देखा है, तो मुझे सबसे अच्छी लगी हैं, चाहे वो डिटेल क्वालिटी हो, चाहे वो वाइड बैलेंस हो, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो डायनेमिक रेंज हो, सब चीज़ें बढ़िया हैं, कोई भी कैमरे से शिकायत नहीं है मुझको, बहुत ही अच्छा कैमरा आपको देखने मिल जाता है। तो भाइयों अब बात करते हैं इसकी स्पीकर क्वालिटी के बारे में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, तो आप थोड़ा आइडिया लगाना। तो सच में भाइयों इसकी जो स्पीकर क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प है, बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है इसकी स्पीकर क्वालिटी से। तो अब बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है, तो पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसकी स्पीड और एक्यूरेसी। तो यहाँ पे ऐड हो गया है, एंड जैसे यहाँ पे मैं देखना, जैसे मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूँगा ये खुल रहा है, प्रेस किया खुल गया, एंड यहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है, जैसे आप उस टच पे उस फीचर को टच कर दोगे, तो जैसे आप पावर बटन टच करोगे तो जब भी ओपन हो जाएगा ये। तो जैसे मैंने कर दिया है, एंड यहाँ पे जैसे मैं टच करता हूँ तो एक एनिमेशन आती है एंड काफ़ी कूल लगती है एंड काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो बस भाइयों यही थी मेरी वीडियो Redmi Note 10 Pro की अनबॉक्सिंग की, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत से भाई लोग चैनल पर पहली बार आते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो मैं आपसे मिलूंगा इस वीडियो में, अपना थोड़ा ख्याल रखें, घर में सेफ रहें, एंड बाय।